चलिए 16 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, कहता है ये ऑफर हमने करे हैं यानी सर इशू किए हैं, ये थोड़ा बड़ा सवाल है तो धीरे धीरे करना होगा। इशू किए हमने कितने? 10,000। और कहता है प्रीमियम भी है हमारा 20 रुपये का और 100 रुपये का एक है, तो 100 रुपये का है प्लस 20, इसका पेबल कुछ ऐसे बनाया सर, कैसे? इसका पेबल बनाया 10 ऑन एप्लीकेशन, 40 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20, 30 और बैलेंस आपको निकालने को बोल दिया इसने, तो 50, 70, 100, तो 20 बचा। यहाँ पे हमारा 20 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम है और 20 रुपये हमारा यहाँ पे शेयर कैपिटल है। ठीक है, कहता है होल्डर 400 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड आफ्टर ड्यू नोटिस देयर शेयर वर फॉरफिटेड, द अमाउंट पेबल ऑन सेकेंड कॉल वर पेड इन फुल एक्सेप्ट द होल्डर 200 शेयर फेल टू पे। कहता है कि भैया जो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा गया ना, तो एक होल्डर था, होल्डर का मतलब उसके पास शेयर है, एक व्यक्ति है जिसके पास कितने शेयर हैं, 400, वो फेल हो गया, इसको हमने नोटिस दिया और शेयर फॉरफिचर कर लिया। मतलब सर कहता है ये कि द अमाउंट पेबल, नहीं सॉरी, होल्डर फेल टू पे फर्स्ट कॉल आफ्टर ड्यू नोटिस दियर शेयर फॉरफिटेड, मतलब इससे हमने सेकंड कॉल मांगा ही नहीं, हमने इसका यही शेयर फॉरफिचर कर लिया, है ना। आगे कहता है सेकंड कॉल का नंबर जब आया तो द अमाउंट पेबल सेकंड कॉल एक्सेप्ट होल्डर 200 शेयर फेल टू पे, 200 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, बाकी सब ने दिए। अब आगे कहता है 250 ऑफ 400 शेयर, यानी सर 400 कैसे हो गए इसकी बात कर रहा है, 400 में से 250 शेयर फॉरफिटेड वर रीइशू, 80 पेड अप, और कहता है कि 50 पर शेयर, मतलब कहा गया आपको 80 का शेयर कैपिटल दे देंगे, आप 50 दे दो, यानी 30 रुपये का यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है, द फाइनल कॉल वर मीट फुल इंक्लूडिंग द एरियर ऑफ सेकेंड कॉल, और जैसे फाइनल कॉल पे गए तो जो यहाँ पे एक व्यक्ति फेल हुआ है ना, नया जिसके पास 200 शेयर हैं, इसके शेयर को हाथ नहीं लगाया, फाइनल कॉल पे ये पैसा भी दे गया, यानी फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ और फाइनल पे दे गया, इसके शेयर फॉरफिचर नहीं हुए हैं। जनरल द ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग द कैश इन द इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तो जनरल सारा करना है, तो ध्यान से देखते हैं। पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, सर कितने शेयर है, 10,000 इंटू में 10, तो 10,000 इंटू में 10 1,00,000, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे आपके, 10,000 इंटू में 10 यानी अगेन 1,00,000, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ क्या मिस है, अच्छा एक लाइन मिसिंग है इसमें, अच्छा बच्चे भी बता रहे, मैंने ध्यान नहीं दिया, यानी यहाँ पे एक लाइन मिसिंग हो गई भाई, कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव जो है, अब मैं एक बात बताऊं, वो मिसिंग है तो मिसिंग रहने दे या कर दूं मैं इसको कंप्लीट, चलो आप बोल रहे हो कर देते, एक लाइन एप्लीकेशन रिसीव 12,000 मिसिंग है तो 12,000 कर देते हैं, अमाउंट ही तो बदलेगा, और एक्सेस एप्लीकेशन को बोला ही नहीं कुछ, इसने क्या करना, रिफंड करके ख़त्म कर देंगे, है ना। देखो एक्सेस एप्लीकेशन का भी कुछ बोला है क्या रिफंड एडजस्ट के बारे में, दिखाना एक बार बुक, हाँ एडजस्ट करना है, कहता है 12,000 अलॉटमेंट प्रोराटा, ठीक है एक लाइन मिसिंग हो गई, तो सर यहां पे आएगा 12,000 इंटू में 10, 1,20,000, नहीं तो मैं इस सवाल को ऐसे ही कर देता, वैसे आप बुक से देख रहे हो तो ऐसे कर रहा हूं, नहीं तो मेरा सवाल भी खराब नहीं है,
वो भी बढ़िया सवाल है। 1,20,000 यहाँ से हटाइए और यहाँ लिख देते हैं टू एडवांस ऑन अलॉटमेंट, तो कितने आ जाएंगे सर? ये तो आएगा 1,00,000 और ये आएगा 20,000। अब आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये सवाल पता है बढ़िया कब बनता? जब अलॉटमेंट पे कोई फेल होता। अलॉटमेंट पे कोई फेल ही नहीं हुआ तो मज़ेदार सवाल ही नहीं है सर। तो सिंपल ही बन गया। इनटू में 40, 4,00,000, 2,00,000 एंड 2,00,000। बैंक में पेमेंट 4,00,000 आने थे लेकिन -20K, इसका मतलब 380। और टू शेयर अलॉटमेंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट 380। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं शेयर फर्स्ट कॉल पे। शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सर फर्स्ट कॉल देखा जाए तो 20 रुपये है तो 2,00,000। अब एंट्री करेंगे बैंक में, तो सर बैंक में 2,00,000 रुपये पूरे नहीं आएंगे, फेलियर के नहीं आएंगे। 400 × 20 कितने होते हैं? 8,000। 8,000 नहीं आएंगे तो इसका मतलब 192। यहाँ आ जाएगा कॉल सिनेरियर 8,000 और टू शेयर फर्स्ट कॉल कितने? 20,000। 20,000 ठीक है। अब शेयर फोरफीचर करने को कहा गया है तो फटाफट शेयर फोरफीचर कर लेते हैं। क्या शेयर फोरफीचर में होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर सर? 400। मांगा यहाँ से यहीं तक है तो इसका मतलब 10, 20, 30 और 20, 50, तो सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज़ आपका कितना हो जाएगा? 20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं क्योंकि पेड कर चुका है, तो शेयर फोरफीचर में आ जाएगा कितने? सिर्फ 10 रुपये और 20, 30 रुपये, यानी सर 12,000। और एरियर आ जाएगा टू कॉल्स इन एरियर, इन एरियर आ जाएगा कितने रुपये? सिर्फ यहाँ पे फेल है तो 400 × 2, 8,000। लीजिए जी, इसका फोरफीचर हो गया। अब चले हम अगले कॉल को मांगने, सेकंड कॉल को। तो शेयर सेकंड कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जो मांगेंगे हम वो किससे मांगेंगे? पूरे 10 से नहीं मांगेंगे। अब -400 यानी 9600, 9600 × 20 कितने आएंगे? ये 288 नहीं, कितने आएंगे? 188 आएगा, 288 आएगा। कैसे? अगर 10,000 होता तो 2,00,000 बनता। अच्छा, 30 सेकंड पर, ठीक है, 288। चलिए सर, कहानी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। बैंक में जब पैसा लेने जाएंगे 288, तो 288 में एक शेयर होल्डर ने और मना कर दिया जिसके पास 200 शेयर थे, यानी 6,000। तो इसका मतलब बैंक में आ जाएगा हमारे पास 282। सर यहाँ भी हो जाएगा कॉल सिनेरियर, कॉल सिनेरियर और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी कहाँ से लिख दिया? शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ 6,000 और आ जाएगा 288। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा विजुअल में भी ना हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे? रीशू ने सेकंड कॉल है ना पहले। हाँ, कहता है कि 250 शेयर रीइशू कर दिए, 480, 50। तो मैं ना रीइशू यहाँ कर दूँ क्या? यहाँ स्पेस निकाल के रीइशू कर देते हैं हम। इसको ले जाते हैं इधर, इधर ले आते हैं, यहाँ रीइशू करते हैं, ठीक है, सेपरेट रीइशू।
तो बोला इसने, हमने सिर्फ 250 शेयर ही बेचे हैं, तो सर बैंक में जो पेमेंट आएगा वो 250 के आएंगे, लेकिन बोला कि आपको 80 देंगे, आप मुझे पेड करो सिर्फ कितना, 50। तो 250 इंटू में 50 तो कितने हो गए, 12,500। शेयर फॉरफिचर से नुकसान कितना हो जाएगा, 250 इंटू में 30 तो कितने हो जाएंगे, 7500। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा कितना सर, इक्विटी शेयर कैपिटल में पूरे 20,000, पूरे 20,000। ये हो गया हमारा सर री इशू। री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अगर हम ध्यान से देखें तो हमने कमाया कितना टोटल सर, कमाया तो 12,000, बट ये 12,000 की कमाई है सर 400 शेयर पे, और हमने री इशू किया सिर्फ 250। तो अगर मैं कमाई की बात करूँ, अगर कमाई की बात करूँ तो कितना आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 250, 7500। 7500 से कमाई हुआ, और नुकसान की बात करें तो 7500। तो यहाँ देखिए आ गया कैपिटल रिजर्व। अब मांगेंगे शेयर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड है फाइनल है, शेयर फाइनल कॉल। तो सर शेयर फाइनल कॉल कितने से होगा, पहले तो हमारा सर 9600 चल रहा था, लेकिन 250 और ऐड हो गए तो 9850, 9850 और इंटू में सर 20, तो 9850 इंटू में 20 तो ये आ जाएगा 197, 197। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 197। एक एंट्री लास्ट रह गया, उस एंट्री को एडजस्ट करते हैं अभी, ये लीजिए उस एंट्री को भी कर देते हैं। एक एंट्री लास्ट रह गया, लास्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं तो कितना आना था, 197 आना था सर, लेकिन एक शेयर होल्डर जो पहले फेल हुआ था वो एक्स्ट्रा देके जाएगा, यही तो कहा था सवाल में कि ये एक्स्ट्रा देके जाएगा, तो कितना देके जाएगा, पिछला फेल यानी 6,000, तो प्लस हो जाएगा इसमें कितना सर, 6,000, तो प्लस में 6,000 कर देंगे, दैट इज़ 203। और यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर सेकंड कॉल, शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में 197, और नीचे आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, एरियर 6,000। तो ये सवाल होता है हमारा ख़त्म। अब पूछ लेते हैं किन किन बच्चों का क्या डाउट है।